जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो कैसे आप सभी, उम्मीद आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों यूएलएन 2003 आईसी की, जो लगभग सभी एसी के पीसीबी में लगी होती है। और यह आईसी कैसे काम करती है, क्यों लगी होती है, आज हम यह सभी कुछ आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं साथियों 2003 आईसी है, तो ये इस तरह से पीसीबी में लगी होती है हर एक पीसीबी में साथियों। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ लगी हुई है। तो यह आईसी साथियों इस वाली स्विंग मोटर को भी चलाएगी और कंप्रेसर वाली रिले को भी चलाएगी, जो यहाँ पर लगी हुई है छोटी सी रिले। तो साथियों आप देख सकते हैं कि दूसरा पीसीबी अगर हम लें तो यह इसमें भी साथियों लगी हुई है। यहाँ दो आईसियाँ लगी हुई है साथियों, एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। तो यह वाली साथियों इस डिस्प्ले को चलाने के लिए लगी हुई है, और यह वाली आईसी साथियों ये चार रिले चलाने के लिए लगी हुई है। तो साथियों आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ दो आईसी लगी हुई है। यह दोनों आईसीओ से यह मोटी वाली कंप्रेसर वाली रिले भी चलती है साथियों, और साथ ही यह स्विंग वाली मोटरें भी चलती हैं। और इसको तो ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है यह मोटर है डीसी वाली, तो इसमें ज़रूरत नहीं है इस आईसी की, यह सीधी इन दो कपलर आईसी से चल जाती है साथियों। तो आज हम बात साथियों बात करेंगे इसकी कि यह कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल मिलाकर 16 पिनें होती हैं। तो यहाँ से इसकी गिनती शुरू होती है साथियों। यह जो आप देखें मार्क इस तरफ, या तो इस तरह का मार्क कोई होता है आईसी में, या फिर एक डॉट होता है छोटा सा। तो जहाँ ये डॉट होता है या जिस तरफ यह मार्क होता है उस तरफ से एक नंबर नीचे से शुरू होता है साथियों। तो 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ साथियों 8 नंबर पिन आ जाती है। तो 8 नंबर पिन साथियों ग्राउंड होती है 0 वोल्ट। तो 8 नंबर पिन साथियों ग्राउंड होती है, और इसकी 9 नंबर पिन 12 वोल्ट या 14 वोल्ट पॉजिटिव होती है। तो आप चेक कर लें सबसे पहले इस वाली पिन पर और इस वाली पिन पर हमें 12 या 14 15 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये आईसी साथियों मैक्सिमम 30 वोल्ट तक काम करती है, तो 30 वोल्ट तक इसे यूज कर सकते हैं, 24 पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इसको लगाया क्यों जाता है, बात करते हैं। तो यह जो माइक्रो कंट्रोलर होता है साथियों हमारा, इसकी आउटपुट यह 5 वोल्ट देता है आउटपुट में साथियों, पॉजिटिव 5 वोल्ट। लेकिन इसका लोड काफ़ी कम होता है साथियों, 50 मिली एम्पेयर मैक्सिमम होता है। तो यह 50 मिली एम्पेयर से साथियों सीधी यह मोटर नहीं चल सकती है, स्विंग वाली मोटर है आप देख सकते हैं, तो यह मोटर नहीं चल सकती और ना ही यह रिले चल सकती है। तो इसलिए इस माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट के मिली एम्पेयर बढ़ाने के लिए साथियों इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं कि वोल्टेज भी बढ़ जाती है और मिली एम्पेयर भी बढ़ जाते हैं। तो साथियों आउटपुट ये माइक्रो कंट्रोलर की आउटपुट इस आईसी के इनपुट पर जाती है। नीचे वाली सभी पिनें साथियों इसकी इनपुट पिनें हैं। अगर हम यहाँ देंगे इसकी, मान लो यह यहाँ कनेक्ट है रिले, कंप्रेसर वाली रिले यहाँ कनेक्ट है, तो यह पिन इसके सामने यह वाली पिन है साथियों। तो जब हम यहाँ 5 वोल्ट देंगे इसमें, तो यहाँ हमें 0 वोल्ट आउटपुट में मिलेंगे साथियों। जब हम यहाँ से 5 वोल्ट हटा देंगे तो यहाँ 12 वोल्ट आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट पॉजिटिव से होकर के यहाँ वापस से 12 हो जाएंगे, और जब हम यहाँ 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ 0 वोल्ट हो जाएंगे। तो साथियों अगर यह रिले ऑन नहीं हो रही है एसी वाली या कोई मोटर की स्पीड वाली, तो साथियों आप रिले की पिन पर चेक करें। रिले की पिन पर जब आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको एक पिन पर 0, एक पिन पर 12 मिलने चाहिए, यानी दोनों पिनों पर जब लगाएंगे तो 12 वोल्ट 13 वोल्ट मिलने चाहिए। तो साथियों अगर वो नहीं मिल रहे हैं, अगर यहाँ अगर आपको 13 वोल्ट या 12 वोल्ट पॉजिटिव में मिल रहे हैं और यहाँ अगर आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से, यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन यहाँ 0 नहीं हो रहे हैं, तो साथियों आपको यह आईसी चेंज करनी होगी। इसका मतलब यह आईसी ख़राब है। तो इसी तरह से साथियों इसकी सभी पिनें चेक करी जाती हैं। यहाँ जो जिस भी पिन पर, मान लीजिए यह पिन एक नंबर है, यहाँ 5 वोल्ट हैं हमारे पास, तो इसके सामने वाली पिन पर उस समय 0 वोल्ट होने चाहिए। तो साथियों अगर इस तरह से नहीं होती है तो यह आईसी ख़राब है साथियों, तो आप यह आईसी चेंज कर सकते हैं। तो साथियों यह थी इस आईसी के बारे में सभी डिटेल। अगर आपको डिटेल पसंद आई है और आप इस तरह की बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं जिससे आप बेसिकली चीज़ों को समझ सकें कि वह किस पर्पज़ के लिए पीसीबी में लगी है, तो इस तरह की वीडियो हम आपको बना के दे सकते हैं अगर आप कॉमेंट करके हमें बताएंगे। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद जय भारत।